सभी को नमस्कार। सभी देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं। आज दिवाली के इस अवसर पर हम एक हमारे फाउंडेशन की तरफ से, सत्य सुंदर हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की तरफ से एक छोटा सा प्रोग्राम लॉन्च करें, जो स्मॉल वेंडर्स है, जो दिया बनाते कुमार संगम और अन्य दूसरे लोग भी जो बनाते हैं, मिट्टी से जो खिलौने बनते, दिया बनता, उनको प्रमोट करने के लिए हम आज एक प्रोग्राम लगाए और वो बहुत सक्सेस हुआ जो प्रोग्राम वो। और हैदराबाद में हर जगह, हर मंदिर के पास इसके बैनर्स भी लगाए गए अवेयरनेस के लिए। बस इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि लोकल वेंडर्स को सपोर्ट करना, लोकल वेंडर्स कन से खरीदना, ये जो दिया बनाते, मिट्टी के दिया बनाते जो रोड साइड वेंडर्स रहते हैं उनकन से खरीदना। ये जाके पब्लिक जाके आजकल सब मालों में खरीद रहे ना, चाइना के लाइट्स खरीद रहे, वो एनवायरनमेंट के लिए भी ठीक नहीं है। ये दिया जो मिट्टी का है ये एनवायरनमेंट के लिए भी ठीक है। और अपने को दिवाली जो सेलिब्रेट करते थे पुराने ज़माने से आज तक भी, वो इससे करते थे, मगर आजकल पूरा लाइट का प्लास्टिक का हो गया पूरा, उससे एनवायरनमेंट ख़राब हो जा रहा है। उसके अवेयरनेस के लिए हम ये प्रोग्राम करें। इसका तो मकसद ये तो नहीं है गरीबों की भी दिवाली हो जाए? गरीबों की दिवाली होना बोल के तो करें ना प्रोग्राम। मॉल में और चुका के असल देखा जाए तो वेंडर्स कन से चुकाना नहीं कुछ भी। कई बोल तो मॉल में भी जाते हैं, वहाँ पर तो बार्गेन करने का जगह भी नहीं छोड़ते वो लोग। अब छोटे वेंडर्स कन अपन जाके उनको बार्गेनिंग करते रहते हैं उनको, और वो नहीं करना चाहिए। अपन यूथ के लिए क्या मैसेज देंगे? यूथ, अब जितने भी यूथ आज मेरे साथ थे पूरे ये प्रोग्राम में, मैं उनको इसलिए उनको बुलाया कि यहाँ पर वो लोग खुद प्रमोट करना और वो लोग को भी मालूम रहना कि आगे चल के अपने क्या करना है, अपने त्योहारों को कैसा सेलिब्रेट करना है और वेंडर्स को जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको कैसा सपोर्ट करना है अपने।